एक प्रश्न है कि एक सिविल सेवक में करुणा की भावना लचीलेपन की मांग करती है। करुणा की भावना लचीलेपन की मांग करती है। किंतु इससे वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है। वस्तु स्पष्ट करें और दोनों में टकराव की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी, यही प्रश्न ही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखो ध्यान से इस बात को। प्रश्न ये है, करुणा की भावना लचीलेपन की मांग करती है। अच्छा, करुणा की भावना लचीलेपन की मांग करती है, ये क्यों? करुणा का मतलब क्या होता है? दूसरों के प्रति दया का भाव और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर रहना, तत्पर होना। मतलब सिंपल चीज है, करुणा का मतलब क्या है? दूसरों की पीड़ा को देकर दया का भाव उत्पन्न होना, होना और उसे दूर करने के लिए तत्पर होना। एक प्रकार से देखा जाए कि निस्वार्थ भावना है, लेकिन हम जब किसी की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करते हैं ना, होता क्या है, हम पीड़ा को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो कानून है, जो सिस्टम है, उसे लचीलापन लाना होगा। अर्थात जो निर्धारित मानक है उससे सीमित स्तर पर समझौता करना होगा। यह फ्लेक्सिबल है। पर एग्जांपल देखा जाए, एक वृद्ध महिला की बात करें, वृद्ध महिला को राशन चाहिए, पर रूल ये है कि राशन के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है, परंतु उस महिला के पास कोई आधार कार्ड है ही नहीं। तो करुणा ये कहती है, उस महिला को राशन दिलाने के लिए आधार कार्ड का जो नियम है उसके साथ थोड़ा सा समझौता कर लो, आप जो मानक उनके साथ समझौता कर लो और नए परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो। आप लचीलापन यही कहना चाहता है। दूसरी चीज, आपने अक्सर देखा होगा कि कोविड काल में क्या हुआ, कोविड काल में करुणा कोरोना से पीड़ित पेशेंट के इलाज के लिए निर्धारित मानकों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। हम कोविड काल की बात करें तो कोविड काल में क्या हुआ, कोविड काल में करुणा की बात करें, करुणा के भाव का प्रदर्शन करने के लिए कई बार मानकों को उल्लंघन हुआ। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं, आपकी ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी है, एक रूल है, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेते हैं तो वैसे आपका शोषण कहा जाएगा,
पर कोरोना काल में क्या हुआ, डॉक्टरों ने 24 घंटे ड्यूटी की है, किए कि नहीं किए, क्या उसे शोषण माना गया और क्या उस संस्था को अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी थी जब तक थक न जाए। और क्या कमाल का शिफ्ट वाइज डॉक्टर पूरी रात बैठ के काम करता था, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेना शोषण है, एक रूल यही है। उसके बावजूद कोरोना से पीड़ित पेशेंट के प्रति कड़ा का भाव दिखाने के लिए, उनके इलाज के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की सीमा को क्रॉस कर जाते थे डॉक्टर, और 24 घंटे में 18 घंटे काम करते थे वो। ऐसा होता था कि नहीं होता था? एक चीज सोचो जरा, कैसे लचीलापन अपनाया गया। ये प्रश्न ये है कि वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो जाती है। कैसे होती है वस्तुनिष्ठता? ये कहती है कि ना, निर्धारित मानक के आधार पर आपको निर्णय लेना होगा और योग्यता को महत्व देना होगा। दो चीज, नूलन कमेटी ने योग्यता की बात किया है। आप योग्यता के आधार पर निर्णय लेते हो तो आप वस्तुनिष्ठ हो। क्लियर? या निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेते हो ना तो आप वस्तुनिष्ठ हो। लेकिन प्रश्न ये कि हम जब करुणा का प्रदर्शन करते हैं तो वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है। पहली चीज, कई बार करुणा का प्रदर्शन करने के लिए जो निर्धारित मानक हैं, हमेशा जानते इस बात को, उसके साथ समझौता करना पड़ता है। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, वीकर सेक्शन के प्रति करुणा का भाव है तो वीकर सेक्शन को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानकों के साथ तर्कसंगत भेदभाव किया जाता है और तर्कसंगत भेदभाव के रूप में रिजर्वेशन की वकालत की जाती है। और आरक्षण क्या है? वस्तु निष्ठता का निषेध है। ये बात समझ में आई? तो तर्कसंगत भेदभाव, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 की बात करें, 15 के 4 अनुच्छेद 16 के 4 की बात करें हम लोग, आपने अक्सर देखा होगा महिलाओं की बात करें, महिलाओं के प्रति करुणा का भाव जगा तो महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए अनुच्छेद 15 के खंड 3 के तहत, 3 के तहत कई बार क्या होता है आपने देखा होगा। अगली चीज, वर्किंग पीरियड की बात करें, वर्किंग पीरियड सबके लिए एक समान ड्यूटी, एक समान वेतन। देखिए कई बार महिलाएं इस मासिक धर्म से गुजरती है ना, और पीड़ित करुणा का भाव जगा और मासिक धर्म अवकाश की बातें की जाने लगी। अच्छा, मासिक धर्म अवकाश की बात की जाने लगी तो बताओ क्या है? थोड़ा सा मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं को अलग विशेष सुविधा दी जा रही है तो जो यूनिवर्सल रूल है हम उससे बाहर जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठता क्या हो रही है? खंडित हो रही है। क्योंकि वस्तुनिष्ठा का मतलब यही होता है योग्यता और मानक के आधार पर निर्णय लिया जाए। तो वीकर सेक्शन को विशेष रियायतें देते हैं, महिलाओं को विशेष रियायतें दे रहे हैं। कई बार आपने गौर किया होगा कि उतक है, आपसे देखा होगा दिव्यांग कमजोर वर्ग की बात करें हम लोग, जो भी हो उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। प्रशासक के अंदर करुणा का भाव है, करुणा का भाव जगा तो उनको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। या कई बार कहा दिव्यांगों के लिए जो योजना है, फॉर एग्जाम्पल आपने गौर किया होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, दिव्यांगों के लिए क्या होता है? एक चीज देखा होगा, या वीकर सेक्शन के लिए क्या होता है? ब्याज दर में भी सब्सिडी दी जाती है, दी जाती है न्यूनतम ब्याज दर पर उधार प्राप्त करने की सुविधा होती है। इसे देखा क्या जाए, जबकि वस्तुनिष्ठता क्या कहती है? योग्यता के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बोली लगा योग्यता को, पर होता क्या है तमाम वीकर सेक्शन के लोग, महिलाएं दिव्यांग योग्य नहीं है, हम योग्यता को इग्नोर कर देते हैं और उस वर्ग के विकास के लिए हम अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं। ये क्या है? वस्तुनिष्ठता के साथ समझौता ही तो है। क्या लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी? क्लियर? प्रश्न का अगला पार्ट ये, क्या दोनों में टकराव आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक चीज सोचो, जब इस तरह का प्रश्न क्रिएट हो ना, क्या प्रतिक्रिया होगी, तो आपको हमेशा सुप्रीम कोर्ट
और संविधान का सहारा लेना है। तो दोनों के बीच प्रतिक्रिया होगी, तो मुझे करुणा को महत्व देना है, न कि वस्तुनिष्ठता को। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में अवसर की समानता, सामाजिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय अवसर की समानता तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक वीकर सेक्शन के प्रति करुणा का भाव पैदा न हो, अन्यथा रेस एक साथ होगी ना और सबके लिए एक साथ मानक निर्धारित होंगे तो वीकर सेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पहली चीज, एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है अवसर की समानता, समानता सबको उपलब्ध तो है पर समानता को भोग करने के लिए आपके पास उतनी क्षमता है या नहीं है, आप कैपेबल हो या नहीं हो। एक तरह से क्या किया जाता है, क्योंकि आपकी क्षमता है ही नहीं तो आपको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं, अतिरिक्त सुविधाएं देकर के आपको कैपेबल बनाया जाता है ताकि आप समानता को भोग कर सको। क्लियर? तीसरी चीज बात करें हम लोग, यदि हमने केवल वस्तुनिष्ठता की बात की, योग्यता की बात की और करुणा को छोड़ दिया, लोचशीलता को हमने छोड़ दिया, तो परिणाम क्या होगा? विभिन्न संस्थाओं में एक विशेष समुदाय के लोगों का वर्चस्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो समावेशता क्या होगी, बाधित हो जाएगी। और समावेशता ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व तभी होगा जो वीकर सेक्शन को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए। हरी बात है, यदि वीकर सेक्शन को अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी गई तो उसका प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महिला आरक्षण, आपने गौर किया होगा, महिला आरक्षण को अतिरिक्त सुविधाएं दी गई संसद में, देखा ये जाए तो, और रिजर्वेशन एक प्रकार का क्या है बताओ, योग्यता के साथ समझौता ही तो है, जबकि वस्तुनिष्ठता किसकी बात करता है, योग्यता को महत्व देता है। नोलन कमेटी ने कहा योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगाते समय योग्यता को महत्व दो, पुरस्कार भी दिया जाता है योग्यता को महत्व, यह वस्तुनिष्ठता की मीनिंग है। यह मेरी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी, क्यों टकराव की स्थिति में हम किसको महत्व देंगे। पॉइंट समझ में आ गया, एग्जाम्पल तो सबको समझ में आ रहे हैं। अच्छा, जो एग्जाम्पल में बोल रहा हूं ना, सब कुछ लिखना तो संभव है नहीं, अब रफली नोट कर लिया करो आप, हर प्रश्न में एग्जाम्पल बोल रहा हूं, देखा होगा हर एक प्रश्न में एग्जाम्पल बोल रहा हूं, पर आंसर में सारे एग्जाम्पल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 200 वर्ड्स में आंसर को क्लोज कर दिया जाए। हाँ, रिकॉल रहता है, नहीं तो नोट कर लिया करो। ठीक है, आप देखो, चलें हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे, फर्स्ट पैरे में वंचित वर्ग के कल्याण, सामाजिक समावेशन, अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक बार ये आईएएस के मैं क्वेश्चन देख रहा था कल में, पर जानते हो एक चीज मैं देखा हूं, ज्यादातर जो प्रश्न इथिकल इश्यू से पूछ रहा है, और जो प्रश्न पूछ रहा है ना कि आप, आपका स्टैंड क्या होगा, और जब स्टैंड पूछता है तो याद रखना है, स्टैंड जब अपना लोगे ना तो संविधान का आधार बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आधार बनाओ, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर न तो संविधान के विरुद्ध जा पाएगा न तो कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जा पाएगा। जैसे कुछ से देख रहा था 21-22 में पूछा गया है, 22-23 में रूस यूक्रेन युद्ध नैतिक मुद्दा क्या है, और हाँ तो मैं ये कहना, इथिकल कंसर्न की बात करें हम लोग, इथिकल इशू क्या चीज है, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब मैं पहले या दूसरा या तीसरा क्लास लिया था ना, तो मैं डिस्कस किया था युद्ध को लेकर क्या क्या नैतिक चिंता है, 8-10 डायमेंशन में बताया था, ये होगा तो क्या नैतिकल इशू होगा, ये होगा तो क्या होगा, मतलब जहां जहां से प्रश्न पूछा जा सकता सब मैं बता चुका था, वहां पर दूसरे तीसरे क्लास में बता चुका हूं ये चीज, कुछ भी पूछा जाए
ये चीज। और यूपीएससी का जो प्रश्न है ना, जैसे मैंने समझा दिया, ये वस्तुनिष्ठ एग्जाम्पल लिया, तो जो प्रश्न पूछ रहा है ना उसको, वो समझ में आ गया पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न आसान है। अब समझ में नहीं आया पूछ क्या रहा है, प्रश्न बहुत टफ है। और जो मैं करा रहा हूं इसको प्रॉपर कर लो, क्वेश्चन को समझाऊंगा एक बार लूंगा मैं यूपीएससी के क्वेश्चन 5 साल, देखो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो समझ में आ गया ना, आपके पास कंटेंट है पॉइंट जो करवा रहा हूं मैं, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बातें समझ में आ रही? अब जैसे मान लो वस्तुनिष्ठता जोड़ देगा सत्यनिष्ठा, तो भी वही पॉइंट चलेंगे। एग्जाम्पल भी क्या होगा, वही है। उदाहरण की बात करें हम लोग चले, अब देखो वंचित वर्ग के कल्याण, सामाजिक समावेशन, तथा लोक कल्याण के प्रति सिविल सेवक को प्रतिबद्ध बनाए संवेदनशीलता सहानुभूति करुणा गुणों का विकास आवश्यक है। ये फर्स्ट पैरा। हम जब सेकंड पैरे में आएंगे चलें, सेकेंड पैरा, करुणा की भावना संवेदन्स लचीलेपन की मांग करती है। क्यों? हम नंबर एक की बात करें, हम लोग करुणा दूसरों की पीड़ा का समाधान करना है तो आवश्यक है। दया की मनोवृत्ति, उसे दूर करने के लिए की भावना है। किंतु दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए
समझौता करना पड़ता है। आधार कार्ड के बिना वृद्ध महिला का ये वृद्ध महिला ही है। नंबर दो की बात करें चलें नंबर दो की बात करें कोविड काल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी करना तीसरी चीज बात करें ये तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा हमेशा नंबर तीन की बात करें इससे एक तरह से देखा ये जाए करुणा की भावना के लिए नकारात्मक प्रभाव डालने वाले इसके लिए लचीलापन आवश्यक ये करने के बाद अगला प्रश्न हम चलेंगे सीधे थर्ड पैरे में परंतु वस्तुनिष्ठता प्रभावित जैसे हम नंबर वन की बात करें कमजोर वर्ग के प्रति करुणा के भाव के लिए अंतरिक्ष
आरक्षण, इससे योग्यता एवं मानक प्रभावित। नंबर दो की बात करें, वृद्ध और दिव्यांग के कल्याण के लिए वृद्ध एवं दिव्यांग के कल्याण के लिए प्रसंगत भेदभाव। कराने के साथ कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध कराना, जैसे नूलन कमेटी ने क्या कहा वस्तुनिष्ठता के लिए, संविधा के बोली लगाते हैं योग्यता को मत देना चाहिए, पर आपने क्या किया, आपने देखा होगा दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए आपने क्या देखा, पेट्रोल पंप आवंटित होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम लोग, ये सारी चीजें कैसे एक वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो रही है। तद एग्जांपल समझ में आ गया होगा। पुनः एक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता योग्यता की बात करें हम लोग, अगले पैर में जब जाएंगे हम लोग फोर्थ पैर में, किंतु करुणा की भावना एवं वस्तुनिष्ठता में टकराव की स्थिति में करुणा को महत्व। क्यों क्योंकि संवैधानिक लक्ष्य सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा अवसर की समानता मूर्त रूप देने के लिए संगत भेदभाव आवश्यक। जैसा कि 15:4 एवं 16:4 में प्रावधान है, यही तो है। नंबर दो की बात करें, ये बातें समझ में आ गई। नंबर दो, समावेशिता एवं
समावेशी विकास के लिए सभी संस्थाओं में सभी के उचित प्रतिनिधित्व उचित प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य हो जाता है। इसलिए संसदीय अधिनियम के तहत आरक्षण का प्रावधान क्लियर। नंबर तीन की बात करें हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में वंचित वर्ग के कल्याण तर्कसंगत भेदभाव को उचित माना। भेदभाव को उचित माना है ठीक है। और त्रसंगत भेदभाव वस्तुनिष्ठता के विरुद्ध जाता है। वस्तुनिष्ठता के साथ समझौता है, ये बातें समझ में आ गई। मतलब दोनों के बीच क्लैश हो तो हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो मेरी प्रतिक्रिया करुणा है। अरे बात है, क्यों? तुमने संविधान का सहारा लिया, संसदीय अधिनियम का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया हमने। ये कहने के बाद हम आंसर को क्लोज कर देंगे, अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे ना, तो निष्कर्ष क्या चलेगा? इसलिए सिविल सेवकों में करुणा एवं वस्तुनिष्ठता के बीच बेहतर सामंजस्य को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशासनिक विवेकशीलता
की भूमिका निभाता है। दोनों के बीच सामंजस्य को बनाए रखने में प्रशासकीय विवेकशीलता की बहुत बड़ी भूमिका है। ब्रेक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ नहीं, उसको कल देंगे।